आज कशी दिली फळ कितीला रंबूतान मांगो कधी लौंग मला एक पॅकेट पाहिजे कितीला देणार तुम्ही एक पॅकेट 150 150 ला 150 इज वन वन पॅक हा दे वेरी गुड हॅलो मांगो सथीन मांगो सथीन मांगो सथीन मांगो सथीन वेरी गुड हा आणि लाईची लाईची मला 50 ला दे 50 बाग 150 no 50 only 50 50 I know 100 for you 100 70 baht 70 100 एवढं नको आहे काकू मला 70 फक्त 70 पाहिजे for own 100 I same Thailand now 80 baht 80 baht for you ba थँक्यू त्यांना इंग्लिश येत नाही मला थाई येत नाही म्हटलं त्याला मराठीमध्ये बोलूया कोणाच कळत नाही मग त्यांची मला कळत नाही माझं त्यांना कळणार नाही कुठे गेला तर पैसे कुठे गेले जो फ्रूट लिया मस्त था टेस्ट टेस्टी था पर उसको क्या बोलते वही पता नहीं पूछा उनको वो उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ कभी हमने कैब बुक कर ली है ऑन द स्पॉट ऐप के थ्रू नहीं पर पूछ के लोगों को यहाँ प्रॉब्लम एक होता है कि मैकलियोंग जो रेलवे मार्केट है उसके यहाँ पे ऐप वगैरह कुछ चलता नहीं है ग्रैब वगैरह जो है ना वो कुछ नहीं चलता वो लोकली सब कुछ तो आपको पूछ पूछ के ही कैब ढूंढनी पड़ती है 200 पहले बोला था फिर बाद मैंने कुछ शिफ्ट करके थोड़ा 150 कर लिया मैंने तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है 20 मिनट में जा रहे हैं रोड इज़ वेरी गुड आप देख सकते हैं रोड बहुत अच्छा है तो उसकी वजह से क्या है कि 20 किलोमीटर 20 मिनट में आराम से कवर हो सकता है ठीक है तो उसके हिसाब से 150 बात तो बहुत अच्छा है बैंकॉक में तो देखा मैंने सिटी के अंदर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के लिए 150-200 बात लोग चार्ज करते हैं तो उसके हिसाब से तो दिस इज़ अ वेरी गुड डील दिस इज द ओनली ऑप्शन एक्चुअली ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं यहाँ से ट्रैवल करने के लिए बस वगैरह है बट देन इट्स टू सनी ज़्यादा ढूंढना नहीं चाहता था मैं अभी वहाँ से रिटर्न जाने के लिए ये थोड़ा सा फाइट है हमारा वहाँ से इमीजिएटली हमें जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन पर क्योंकि 3:30 को लास्ट ट्रेन है लास्ट ट्रेन से हम जाएंगे बेल्जियम पे वहाँ से फिर फेरी वगैरह लेके आगे जैसे रिटर्न जर्नी थी उस हिसाब से हमें रिटर्न जर्नी वापस करनी है अभी नेक्स्ट हम जा रहे हैं डैम्योंग सदुआ फ्लोटिंग मार्केट में इनका नेगोशिएशन का ये बहुत पेचीदा है 2000 बाद 1 घंटे का उनका मिनिमम रेट ऐसे बताते हैं एंड नेगोशिएट नहीं करते देन वी वॉकड ऑफ फ्रॉम देयर से कि हमें इस ठीक नहीं लग रहा है कि साथी बोट इधर पानी में घुमाएंगे 2000 बाद मतलब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 5000 रुपये हो गया 5000 रुपये का तो वर्थ नहीं है एक्टिविटी एंड फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आए एट द फ्लोटिंग मार्केट इटसेल्फ वो पहले जो काउंटर था वो टैक्सी वाले लेके गया था तो टैक्सी वालों का भी कमीशन होता है बीच में तो हमने वो टैक्सी वाले को भी टाटा बाय बाय कर लिया और हम लोग यहाँ पे आए सीधा एट द फ्लोटिंग मार्केट यहाँ पे बुकिंग्स होती है यहाँ पे नेगोशिएशन होता है ठीक है तो मैंने कहा 30 मिनट्स का कर लो 30 मिनट 700 बात 750 इज़ गुड इनफ तो इसे 750 नॉट पॉसिबल 800 तो मैंने बोला ठीक है तो अभी 40 मिनट कर लो उसमें तो बोला नहीं 40 मिनट 900 आई कैन गिव तो ठीक है 40 मिनट 900 में डील फाइनलाइज हो गई सो इंस्टेड ऑफ पेइंग 2000 बार फॉर 1 आवर आई एम पेइंग नाउ 900 बात फॉर 40 मिनट्स एंड दैट इज सफिशेंट आई थिंक इतना क्या देखेंगे अभी इतना मार्केट में तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं द बोट हेलो व्हाट्स योर नेम माय नेम इज आई आई या ओके सो आई एम गोइंग विद आई हैव टू पे मनी नाउ या मनी नाउ ओके सभी घड़ी में हो गए 1:43 40 मिनट का है तो मतलब उसके हिसाब से 2:20 तक तो होना चाहिए वैसे तो ये सब खाना वाना बना रहे हैं यहाँ पे ये होटल है उनका फ्लोटिंग मार्केट पूरा फ्लोटिंग है ये और एकदम के स्पीड में नहीं जा रहे हैं आराम आराम से जाएंगे क्योंकि ये पिलर्स हैं बीच में और दूसरी बोट्स भी यहाँ रखी हैं स्पीड में गए तो डैश होगा Hi Anna. Hi. What do you want to say? Nothing. Hey, nothing.
गैलरी भी है जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है वो अंदर जाकर खरीद सकते हैं। कोकोनट आइसक्रीम और ये काफ़ी सारे डेकोर आइटम्स वो भी बेच रहे हैं। हेलो, यू वांट शॉपिंग? नो, नॉट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ। मी मोड देखो, इनके ठेले भी हैं, स्ट्रीट फूड। उसने कहा कोकोनट बोला तो मैं बोला था कितनी काय का खाई ना, कितनी फ्रूट खाई था, मैंगो जूस ऑलरेडी पहले। इकडे पण असं एक बोट सर्विस, तो हर जगह पे आई थिंक ये बोट सर्विसेज अवेलेबल है। तो ये टैक्सी वालों के झांसे में मत आइए कि यहाँ से ही बुकिंग करना होगा, आगे बुकिंग अवेलेबल नहीं है, बंद रहता है, ये सब उनके झांसे में मत आइए क्योंकि उनका कमीशन है। तो यहाँ पे मेन मार्केट में आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं, ओके, बोटिंग सर्विसेज के काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड आई थिंक स्वीट स्पॉट इज़ हाफ एन आवर का ले लो, हाफ एन आवर बहुत हो गया, और कितना घूमे हो गया आप, राइट? हाफ एन आवर यू टेक इट फॉर अराउंड 800 बात 700 बात, दैट्स द स्वीट स्पॉट। उससे कम में मिलता है तो आप लकी हो, बहुत लकी। और यहाँ पे नेगोशिएशन होता है, डेफिनेटली होता है। पीपल विल ट्राई टू टेल यू कि नेगोशिएट नहीं करते हम लोग, नो फिक्स प्राइस, इट्स नॉनसेंस, ओके? डू नेगोशिएट, एंड द मोमेंट यू वॉक अवे दे विल स्टार्ट टू नेगोशिएट, बिकॉज उनको पता है ऑप्शंस है अवेलेबल। तो मैं एक साइड पे शिफ्ट हो गया और पूरा बैलेंस चला गया बोट का, सो आई हैव टू सिट इन द सेंटर ओनली। फ्रेग्रेंट कोकोनट पैनकेक, इट्स कूल। अभी मैं आपको मेरा रिव्यू बताता हूँ इस एक्सपीरियंस का, ठीक है? अभी वैसे तो हाफ जर्नी ऑलरेडी हो गई होगी, 10 मिनट हो गया होगा मे बी। इट इज़ गुड, इट इज़ डिफरेंट, बट इट इज़ गुड इनफ, एवरेज टू गुड मैं बोलता हूँ। डिफरेंट क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ऐसे कुछ है नहीं, फ्लोटिंग मार्केट्स वगैरह का अलग एक्सपीरियंस है, पर उसके लिए 2000 बात वगैरह तो इट्स नॉनसेंस। एक्चुअली 800 बात भी बहुत ज़्यादा है, मैं तो बोलता हूँ 800 बात मतलब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 2000 रुपये हो गया, और 2000 बात मतलब 5000 रुपये पकड़ लो आप। मैं बोलता हूँ इसका 500 रुपया इज़ द वर्थ, एक्चुअल वर्थ 500 रुपया मतलब कितना बात हो गया इसका, मे बी 200 बात, आई थिंक दैट इज़ द ट्रू प्राइस ऑफ दिस, ओके? तो इट इज़ नॉट सो वाव, ठीक है, बट एक एक्सपीरियंस के लिए आप आइए, क्योंकि पूरी फैमिली के लिए उतना एक प्राइस है, राइट? अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं तो आपके पास बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारे लिए कैसा, हमारे तो प्लस 2 adults and 1 kid, इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था ऑप्शन, पर अगर बड़ी फैमिली है 5 लोग 6 लोग लाइक पैसा वसूल, ओके। Anna is having the soda now. It's the red color Fanta. Show me one sip, give me one sip, beta. Okay. How's it, Anna? 10 out of 10. Oh, lovely. It's raspberry. Raspberry. Also interesting, right? Yeah. दवाई जैसा है, Benadryl. अभी हम return जा रहे हैं. अच्छा हो गया, return जा रहे तो. ये राइड मैं बोलता हूँ आपको 10-15 मिनट है ना, बहुत होगा इनके साथ नेगोशिएट भी करो, मुझे 15 मिनट ही करना है करके। 30 मिनट का कुछ 800 होता था, 40 मिनट मैंने बढ़ा के ले लिया, एंड 900 कर लिया उसने, बट वो करना भी नहीं दे चाहिए था, मैं तो बोलता हूँ आधा घंटा बहुत हो गया, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, करो नेगोशिएट। पानी भी अगर देखोगे ये ब्राउन वाटर है, इट्स अ मडी वाटर, सो इट इज़ नॉट अ सीनिक ड्राइव, इट इज़ नॉट अ सीनिक राइड। ये जो फोटोज में दिखता है ना ऑनलाइन, उसके हिसाब से लोग बुक करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रेट लगाए हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया है इसको, बिकॉज ये रेयर है, ज़्यादा सिटीज़ कंट्रीज़ में ये ऐसा कुछ है नहीं, बट इट इज़ नॉट वेल मेंटेन। यहाँ पे आप देखोगे ये सब पूरा खंडर है,
एंड कीचड़ वगैरह है काफ़ी सारा. ओके ये देखो दलदल टाइप ऐसा कुछ कुछ दिख रहा है. इट इज़ नॉट सो प्लेजेंट ऑल्सो. आप स्किप कर सकते हो ऑनेस्टली. जर्नी इज ओवर ना. आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, ऑनेस्ट ओपिनियन अगर मेरा लगा जिससे कि आपका कुछ सेविंग्स हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो भी थाईलैंड जाने वाले हैं, बैंकॉक जाने वाले हैं, ताकि उनको एक्सपीरियंस रेटिंग क्या है हर एक एक्टिविटी की वो समझे. और मेरे काफ़ी सारे दूसरे वीडियोज़ भी होंगे ऑन माई चैनल, वो भी शेयर कीजिए. थैंक यू, सी यू अगेन. She's a pro, man. She's a pro. Wow. Hello, Walker. Excellent, Walker. Yeah, Anna, how do you like the activity? What's your rating of it? 9 out of 10. 9 out of 10. How about you? I think 5 out of 10. 5 out of 10. Yeah. मैंने तो already बता दिया मेरा. You can skip the activity also. It's okay.